सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, एक बार नहीं लगभग पूरी लाइफ। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट की हार्ड अर्न मनी, या अपनी सेविंग अर्ली एज में है तो जो पैसे आप लगाना चाहते हैं वो ग्रो करे, मल्टीपल फोल्ड हो, तो प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इवन इफ यू नो द कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टेक्निकल, देन ऑल्सो आपको देखना चाहिए, कुछ तो आपको मिलेगा जो आपको पूरी लाइफ काम आएगा। तो सबसे पहले वीडियो को सब लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको देखिएगा, क्योंकि आखिरी तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग काफी खुलने वाला है, ये तो मेरी गारंटी है। अगर दिमाग नहीं खुलेगा तो मुझे बताइए कमेंट करके, मैं अपनी गलती मान लूंगा और ज्यादा कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा करूं कि आपको इससे फायदा हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करता है, उसके इकोनॉमिक डेटा को एनालाइज करता है फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स। और इस वीडियो में मैं इसी को बताने वाला हूं, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर कैसे वेरी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बात मैं टेक्निकल एनालिसिस पे भी करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस पे एक वीडियो बनाया था। टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है टर्म, और कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको बड़े सारे टिप्स देते हैं। मैंने तो इंस्टा पे एक ऐड देखा जिसमें उन्होंने लिखा था $100 लगाइए, $5,000 पाइए, ये लगाइए वो पाइए। हालांकि उसके कमेंट भी लोगों को बड़े मजेदार थे कि तू इस ऐड देने के बजाय खुद का लगा ले और बढ़ जाएगा। तो ये जो अगर लोग करते हैं, अगर ये खुद करने लगे तो ये खुद बन जाएंगे बिलियनियर्स, अरबपति, ये खुद क्यों नहीं करते? तो इनके चक्कर में प्लीज मत आइए। एक बड़ा फेमस सी सेइंग है शेयर मार्केट में कि अगर मेरे पास मैं केवल 20 लोगों को कोई टिप्स दे रहा हूँ सपोज करो, और मैं अपने आप को एनालिस्ट कहता हूँ, तो 10 लोगों को मैंने बोल दिया कि कल मार्केट ऊपर रहेगा पैसे लगाओ, 10 को बोल दिया कल मार्केट नीचे रहेगा पैसे लगाओ। अब या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, तो किसी को बेनिफिट होगा। यानी सपोज करो मार्केट ऊपर चला गया तो 10 लोगों को लगेगा यार मैंने जो एनालिसिस किया वो तो बहुत सही है, 10 वालों को मैं बोल दूंगा यार ये तो मार्केट है, कोई हम भगवान तो है नहीं, नो वन कैन प्रेडिक्ट। तो इन 10 लोगों को जिनको आपने बोला कि मार्केट ऊपर रहेगा और मार्केट ऊपर आ गया, वो आपके फैन होने लगेंगे। उसमें से भी 5 लोगों को आप बोलो कि उसके कल यानी अगले दिन मार्केट फिर ऊपर जाएगा, 5 लोगों को बोलो नीचे जाएगा। अब दोनों में से कोई एक ही होगा। कई लोग सोच रहे होंगे बीच में भी होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाउन जाता है कुछ स्टॉक्स। अब जिनको आपने बोला होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और सही में ऊपर आ गया, वो तो आपके बड़े फैन होगा कि 2 आपने कॉल दी दोनों सही निकला। तो इन्हीं पे, इन्हीं स्पेकुलेशन पे इनका धंधा चलता है। याद रखिएगा ये छोटी चीजें जो आप मेरे से सुन रहे हो बहुत बड़े कीमत की हैं। बड़े सारे कोर्सेस होते हैं इसमें, मैंने खुद एक बहुत बड़ा कोर्स किया हुआ है इसमें, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एनालाइज करते हैं, जैसे कि उसका इनकम स्टेटमेंट हो गया, उसकी बैलेंस शीट हो गई, उसका कैश फ्लो, टू इवेलुएट इट्स फाइनेंशियल हेल्थ, किसकी, कंपनी की, जिसमें हम पैसा लगाने वाले हैं फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखता है कि वो कंपनी को कैसे कैसे अफेक्ट करेगा, जो सराउंडिंग में इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडस्ट्री का ट्रेंड किधर को जा रहा है, मार्केट कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, और हाँ गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या आपको इफेक्ट कर सकती है। तो ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे देखते हैं। तो आज मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ वो फंडामेंटल एनालिसिस डेफिनेशन जो मैंने बता दी, अब मैं की फैक्टर्स एंड मैट्रिक्स, बेसिकली की मैट्रिक्स एंड रेशियोज बताऊंगा। की मैट्रिक्स एंड रेशियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बेसिस पे हम इजिली किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझ सकते हैं फंडामेंटली। अब ये बहुत सारे होते हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स जिनके बेसिस पे हम इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 मेन फैक्टर्स को बताता हूँ। पहला पीई रेशियो, पी ऑब्लिकी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। दूसरी बात करूंगा रिटर्न्स ऑन इक्विटी, आरओई रेशियो। तीसरा डेट टू इक्विटी रेशियो। ये 3 रेशियो की बात करूंगा, इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा।
जो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो होता है, दिस रेशियो कंपेयर्स द कंपनीज स्टॉक प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? हाई पी रेशियो इंडिकेट करेगा क्या? दैट द मार्केट एक्सपेक्ट दैट कंपनी हैव स्ट्रांग ग्रोथ इन द फ्यूचर। हाई है यानी प्रॉफिट ज्यादा है पर अर्निंग शेयर। तो प्रॉफिट अगर ज्यादा है और उसका यानी रेशियो तभी ज्यादा होगा ना, यार प्रॉफिट ज्यादा होगा पर अर्निंग रेशियो से, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यार बहुत मस्त कंपनी है। नीचे है तो थोड़ा डाउन है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। ये मेजर करेगा कि हाउ इफिशियंटली ए कंपनी इज यूजिंग इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी टू जनरेट प्रॉफिट। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब हुआ कि कैसे कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसका CFO है, उसका CEO है, ये शेयर होल्डर्स के पैसे को यूज करके कैसे उस पर रिटर्न दे रहे हैं, रिटर्न कमा के दे रहे हैं। बेसिकली जब आपने कहीं पैसा लगाया तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है रिटर्न जनरेट करके आपको दे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो अच्छा होने का मतलब होता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेस को इफिशियंटली यूज कर रही है, यानी हाई रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो आपको चाहिए। अब आ जाते हैं डेट टू इक्विटी। डेट मतलब कर्जा। दिस रेशियो यहां पे दिस रेशियो कंपेयर्स अ कंपनीज डेट टू इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी। यानी कंपनी का डेट कितना है कंपेयर टू शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब क्या होगा, हाई डेट इक्विटी रेशियो का मतलब हुआ कि कंपनी हैवीली ऑन डेट है, डेट फाइनेंसिंग में, कर्जे में डूबी हुई है। वो बाद में कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाती है। यानी हाई डेट टू इक्विटी रेशियो खतरनाक है। कम डेट टू इक्विटी रेशियो सही है, बट कई और फैक्टर्स होते हैं। एकाएक इस पे केवल एक फैक्टर नहीं है जिस पे आपको कंक्लूजन लेना चाहिए। हो सकता है वो एकाएक कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ही करने वाला हो और उसका एक कोई नया वर्टिकल हो और एक उसने बहुत अच्छा काम किया, कोई नया प्रोजेक्ट कहीं पे लॉन्च कर रहा हो, तो ऐसा कुछ फैक्टर आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या है? बेसिकली इन दोनों जो अभी की मैट्रिसेस एंड रेशियो और फंडामेंटल एनालिसिस की बात की है, इसके साथ साथ हमें कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखने चाहिए कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, कॉम्पिटिटर्स ट्रेंड क्या है, कॉम्पिटिटर्स लैंडस्केप क्या है, कॉम्पिटेटिव मार्केट में कितना आप कहाँ पे प्लेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रीन्यूएबल एनर्जी आजकल काफ़ी ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। सोलर प्लांट हो गया, ईवी हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, इनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। कोल से बनने वाली चीज़ें, जो पावर जिसमें कार्बन जनरेशन होता है, उसको कंपनी या गवर्नमेंट उसको डीमोटिवेट कर रही है। तो आपको ये देखना होगा अगले 5 साल 10 साल बाद किस इंडस्ट्री का ट्रेंड आने वाला है। जैसे ब्लॉकचेन एप्लीकेशन से गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। अब यहाँ पे डिजिटल करेंसी इंडिया पे लॉन्च हो गई है। क्रिप्टो तो हमने नहीं अलाउ किया, बट डिजिटल करेंसी लॉन्च करती है, तो इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी की आगे ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज़रूरत पड़ेगी, रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेक्टर। हाँ, FMCG है, जिसको जो कभी एंड नहीं हो सकता, बट कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है उसमें भी। तो आपको इंडस्ट्री ट्रेंड देखना होगा, फिर देखना होगा कॉम्पिटिटर्स कैसा कर रहे हैं। अब आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं और आप 2-3 साल से डिक्लाइन हो या स्टैगनेट हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? क्वालिटेटिव फोर्सेस में आती है, फैक्टर्स में आती है। अब क्वालिटेटिव फैक्टर्स में एक और चीज़ आती है, मैनेजमेंट टीम। अब मैनेजमेंट टीम जो आपका जो कोर स्ट्रेंथ होता है किसी भी कंपनी का, वो ब्रेन होता है। तो हु इज़ द पर्सन बिहाइंड दैट कंपनी या ग्रुप बिहाइंड द कंपनी, इन लोग का पास ट्रैक कैसा है, इनके आने से कंपनी ग्रो की, इनके आने से कंपनी डाउन जा रही है, ये फैक्टर भी बड़े काम का होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी आपको कंसीडर करना चाहिए इस फैक्टर को भी जानने के लिए। फिर हम बात करेंगे लिमिटेशंस क्या क्या है, यानी क्या ये एकदम बढ़िया फैक्टर है। अगर ऐसा है तो सब लोग इसमें पैसे लगा के, बड़े बड़े लोग हैं जो मुकेश अंबानी हैं, रतन टाटा जी की कंपनी वाले लोग हैं, अदानी साहब हैं, बजाज साहब हैं और महिंद्रा साहब हैं, ये लोग क्या करें, ये लोग नई इंडस्ट्री लगाने की बजाय फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी ढूंढें, पैसे लगा लें और सोएं और इनका पैसा ग्रो कर जाएगा। तो भाई साहब कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, हर कोई इन्वेस्टमेंट से ही आगे नहीं बढ़ जाता, हर कोई वॉरेन बफे और जिम सिमोंस नहीं हो जाता। तो अब लिमिटेशन क्या है? देखो, एक पावरफुल टूल तो है ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस के लिए, बट इकोनॉमी
किसी भी इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस कैन चेंज क्विकली। कई बार अब देखो यार, अदानी साहब जिस जिस जगहों पे हैं वो अच्छी इंडस्ट्री है, पोर्ट का है बिजनेस है, उसके बाद FMCG का बिजनेस है, पावर का बिजनेस है, तो ये कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं। एकाएक मार्केट कैप, एकाएक 84% लूज कर गई उनकी काफ़ी स्टॉक्स, LIC उससे इफेक्टेड हो रही है। तो ये बड़ी क्विकली कई कई बार चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि ये प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट डिसीजन के साथ भी होती हैं, ये सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं। तो पूरी तरह से रिलाई करके आप इसमें जाओगे तो हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। अब मैं इसके कंक्लूजन पे बात करता हूँ। अब ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है, ये कंपनी के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेटा को एनालाइज करता है लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टस में, बट कई कई बार आप ने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और आपका कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बट उस टाइम और आपको आपका होराइजन है 10 साल बाद आपको पैसे चाहिए, 15 साल बाद आपको पैसे चाहिए, और उस एक दो साल में बहुत क्राइसिस आ गया, कोविड जैसे आया था, अदानी में है तो मान लो अदानी का हिंडनबर्ग वाला सिचुएशन आ गया, इस तरह से कुछ अगर आ जाए तो उसी साल पैसा अगर डाउन हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, मैनेजमेंट टीम, पावरफुल टूल तो है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कि मैनेजमेंट बदल गया कंपनी में, का एक पता चला कि जो प्रमोटर थे उनको कुछ हो गया, उल्टा सीधा ऊपर वाला ना करे बट वो डेथ हो गई उनकी, तो एक डाउन हो गया सब कुछ। तो यहाँ पे आपको कई फैक्टर देखना होगा। डिस्क्लेमर यह है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया और अदानी का भी नाम लिया था, अमरेली सॉरी अगर इसमें कुछ मेरी तरफ से हर्ट हुआ हो, मैं खुद उसमें इन्वेस्ट किया हूँ तो मैं लॉस में हूँ, अभी स्टॉक से बाहर भी नहीं निकला हूँ। हाँ, लेकिन इस पूरे वीडियो को आप किसी ग्रुप में भेज दीजिए जिसमें इस तरह के यंग लोग हों जो लंबा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, कोई एजुकेशन लेना चाह रहा हो इन्वेस्टमेंट का, उसमें भेज दीजिए। आप कमेंट लिखिए, अगर आप ऐसा सपोर्ट करते हैं, हमें बताते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, हम इस पर और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो विश यू ऑल गुड लक फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच, बाय।